सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑल वीडियोस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टचेस कैसे ला सकते हो आपके स्क्रीन पर। लाइक, अगर आप यूज़ कर रहे हो रेडमी, शाओमी, पोको या रियलमी जैसे जो डिवाइसेस है, और ऑलमोस्ट सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस में ये ऑप्शंस होते ही है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। देखो है क्या कि अगर आप टच करते हो तो आपको इस तरीके से जो है टचेस वो दिखने चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको एक रैंडमली जो है व्हाट्सएप ओपन करके दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद मैंने ये सपोज़ इस कॉन्टैक्ट को क्लिक कर लिया और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कोई टचेस नहीं आ रहे। सो टचेस आपको कैसे इनेबल करना है तो वो मैं बताता हूँ आपको। टचेस यानी एक पॉइंट होता है, पॉइंट टाइप, जैसे आप टच करते हो तो वो दिखाई देता है कि आपने उस लोकेशन पर जो है उस पॉइंट पर जो है टच किया आपने। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। सो गाइस, आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी एडिशनल सेटिंग्स जो है उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी मिलेगा आपको, उसमें चले जाना है। सो आप किसी किसी के डिवाइस में डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी भी होता है, लाइक अगर कोई सैमसंग डिवाइस यूज़ कर रहा है तो उसको पता होगा। सो डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में जा सकते हो, या तो फिर ज़्यादातर ऑप्शंस जो है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाएगा। सो एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जैसे ही आप चले जाओगे, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करिए और आप में फाइंड आउट करिए, या तो वो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में मिलेगा या तो आपको वो डेवलपर ऑप्शंस में मिल जाएगा। सो रेडमी के केस में क्या होगा, आपको जो है डेवलपर ऑप्शंस के यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। डेवलपर ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देखिए डेवलपर ऑप्शन आ रहा है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे जाके देख सकते हो एक इनपुट का सेक्शन आपको मिलेगा, इनपुट के सेक्शन को आपको फाइंड आउट कर लेना है यहाँ पे। जैसे हम देखते हैं यस, हमें यहाँ पे मिल गया है इनपुट का सेक्शन। तो जैसे मैं शो टैब्स यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है आपका पॉइंटर देखिए इस तरीके से जो है ये इनेबल हो जाता है, आपका टच जो है ये इनेबल हो जाता है, जबकि पहले के केस में टच ये इनेबल नहीं हो रहा था गाइज। तो समझ में आया आपको जो टच है वो कैसे इनेबल करना है यहाँ पर। देखिए दो चीज़ आपको बता रहा हूँ, एक तो आपका हो जाएगा एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में आपको मिलेगा, जिसका डिवाइस रेडमी रियलमी का नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सारे अलग अलग कंपनी के डिवाइसेस होते हैं तो सबके इसमें जो है थोड़ा बहुत सेटिंग्स अलग होता है, लेकिन इस केस में जो है आपको एक्सेसिबिलिटी में या फिर डेवलपर ऑप्शंस में ज़रूर मिलना चाहिए। सो उसमें क्या सेक्शन होता है आपका, एक तो होता है इनपुट सेक्शन, दोनों को फाइंड आउट करिए आप, किसी ना किसी में आपको मिल ज़रूर जाएगा, ठीक है। सो आपको इनपुट सेक्शन में जाना है, इनपुट सेक्शन में शो टैब्स के लिए आपको फाइंड आउट कर लेना है गाइज। तो ठीक है गाइज, आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।